स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश नवरात्रि विशेष में, और जहां हमारे साथ हैं पंडित अवध बिहारी पांडे जी। स्वागत है पंडित जी आपका हमारे प्रोग्राम में। और नवरात्रि विशेष में हम आपको इस बार जो 8 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं उनके बारे में पंडित जी से कुछ बातचीत करेंगे, कुछ सवालों के जवाब लेंगे और बहुत सारी माता रानी के पूजन की विधि और भी जितनी नवरात्रि की विशेषताएं हैं वो सभी हम पंडित जी से जानेंगे। तो पंडित जी सबसे पहले जानना चाहेंगे, इस बार नवरात्रि का जो शुरुआत हो रही है वो चैत्र नववर्ष के साथ भी हो रही है, तो इसका क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है दोनों का? सबसे पहली बात है कि मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आज जो है नए वर्ष की शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आज से हमारा नया वर्ष शुरू हो रहा है और नया वर्ष हो तो नया दिमाग हो, नया सोच हो, नई उमंग हो। जी, सभी दर्शक इस बात को पहले ध्यान रखें कि नया वर्ष हमारे हमारे जो मनाया जाता है वो नवरात्रि से शुरुआत से मनाया जाता है। हम लोग एक पूजा पाठ की आराधना की विधि से नए वर्ष की शुरुआत करते हैं, ना कि नाच गा के खा पी के करते हैं। हमारा एक संस्कृति, जो संस्कृति, जो मूल संस्कृति है उसका आधार है पूजा ध्यान, इससे हम जो है और उसके साथ शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं कि हे माँ भगवती शक्ति, इस नवरात्रि जो आपको नया वर्ष शुरू हो रहा है इससे 9 दिन हम आपकी आराधना करके और इस पूरे वर्ष को सुखमय आनंदमय बनाना चाहते हैं। अब शुरू करते हैं अपना दिन, प्रारंभ सुबह से होता है। सुबह से कोई भी जो भी हो सभी लोग सूर्योदय के पहले उठ जाएं, उठने के पश्चात माता रानी का व्रत पूजा जो भी अपना करते हैं विधिवत तरीके करें, जो नियमित कर रहे हैं अलग उसी करते जाए और किसी भी कठिन, सबसे कठिन संकल्प को ना लें, सरल संकल्प को माता रानी को करें और जितना कठिन जितना सरल आप रहोगे उतनी सरलता से आपको माता रानी का प्रसाद प्राप्त हो। पंडित जी आपने बात की नवरात्रि और चैत्र नववर्ष शुरुआत हो रही है दोनों, और आपने बात की संकल्प की, तो हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नवरात्रि में हम किस प्रकार के संकल्पों को ले सकते हैं। हाँ, सबसे पहला संकल्प हमें तो ये लेना है कि हमारा पहला दिन जब शुरू हो तो सभी लोग स्नान करके एक घर में एक लाल ध्वजा जैसे झंडा बोलते हैं उसको रखें और माता रानी के नाम से उसकी पूजा करके दरवाजे के ऊपर लगा दें, जिससे आने वाली समस्त बाधाएं माता रानी की कृपा से नष्ट हो जाए और हमारे जैसी ध्वजा जैसी की हवा में जैसी ध्वजा फहरे और उसकी तो उसके जो जो भी आपके आसपास की जो गलत हवा है उसको जो है समाप्ति को पहला तो ये शुरू करना है। दूसरा, सुबह से जो भी माता बहने हैं वह सुबह से उठकर सूर्योदय के पहले स्नान करके मंदिर बाद में जाएं, पहले अपने घर के दरवाजा साफ करें, दरवाजे पानी गोबर से लिप सकते तो गोबर से लिप के और उसके उसमें थोड़ा फूल रख के दरवाजे में और एक दीपक जरूर रखें माता रानी के लिए। ये 9 दिन करना है। जी बिल्कुल, हाँ, कि आज से नवरात्र प्रारंभ हो, हे माँ आपके नाम के हम उस दरवाजे में अपने फूल भी रखते हैं और दीपक रखते, स्वागत है कि आप मेरे घर आइए और सुख और समृद्धि मेरे घर में फैलाइए, पहला तो ये है। दूसरा संकल्प, संकल्प यथा संकल्प तथा विधि, जैसा संकल्प करोगे वैसे ही विधि करना पड़ेगी। संकल्प सरल होगा तो विधि सरल होगी, संकल्प कठिन होगा तो विधि कठिन होगी। ठीक है, तो हर भक्त को चाहिए कि वो जैसे गुड़ में ना विधि कि लोग दूसरे ये कर रहे हैं, सप्तती कर रहे हैं, मंत्र जाप कर, नहीं, आप तो जुटते हो सरलता, क्योंकि भावो विद्यते भगवाना, भगवान किस में है, माँ के भाव में है, ना कि आपकी विधियों में है। तो आपको जितनी सरलता से आप मन लगा के माता रानी की पूजा इत्यादि करें वैसा संकल्प लें जिससे आपको कठिनाई ना हो, नवरात्रि बड़े आराम से निकल जाए और आपके अपने अपने जीवन को सुख और समृद्धि बनाने के लिए एक सहयोग प्राप्त हो और आपको आशीर्वाद माता रानी का। जी, और फिर कहा भी जाता है जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, जितनी आप कर सकते हैं उतनी ही पूजा कीजिए। पंडित जी, विशेष नवरात्र में इस बार ये है कि नवरात्र 9 दिन का माता का त्योहार होता है, परंतु इस बार 8 दिन के नवरात्र हो रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों? हाँ, इसका कारण यह है कि हमारे जो हम लोग जो ज्योतिष की गणना करते हैं वो सूर्य से करते हैं। जी बिल्कुल, तो सूर्य के एक दिन जैसे ही एक घड़ी दो घड़ी इधर उधर सूर्य को होता है तो तिथि घट जाती है, वो कुछ नहीं है, तिथि घट जाती है, लेकिन माता रानी के दिन 9 ही होंगे, इसमें अंतर कुछ नहीं आएगा, तिथियों का अंतर आएगा, तो आपको नवरात्रि 9 दिन ही मनानी है। लेकिन
लोग तिथि के अनुसार से जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे अष्टमी के दिन हवन होना चाहिए रात्रि के समय, नवमी में माता रानी की अष्टमी का जो अठवाई चढ़ाते हैं अठवाई चढ़ना चाहिए और अन्य पूजा होनी चाहिए, वो अपना करें तिथि के अनुसार। लेकिन नौ दिन ही जवारे जैसे हैं तो नौ दिन होंगे वैसे, तो वो काम नौ दिन के होते हैं। लेकिन इस बात नवरात्रि का बहुत अच्छा पर्व इसलिए है कि इस संवत्सर का राजा जो है शुक्र है, और शुक्र कैसा सौम्य है। इस बार देखिएगा आप जल की वृष्टि भी होगी, इस बार अन्न भी अच्छे होंगे, और जितना जो है बेमनुष्यता फैल रही है उसमें कुछ कमी आएगी और लोगों में एक विश्वास होगा, क्योंकि लेकिन शक का अभी थोड़ा दायरा बना रहेगा, बाकी विश्वास होगा, क्योंकि इस समय के राजा जो है संवत्सर के शुक्र है, और मेघ जो बरसेंगे वो अच्छे बरसेंगे, और स्वामी चंद्र और मंत्री चंद्र है वो भी एक सौम्य होने की वजह से कुछ न कुछ इस चंद्र को सबको फायदा होगा। इस नवरात्रि में शुक्र और चंद्रमा से जो शुरू होने वाला ये जो वर्ष है राजा और मंत्री के द्वारा, ये नवरात्रि से पूजा इत्यादि करने से और ज़्यादा लाभप्रद होगा, और हर प्राणी के लिए बहुत सुखमय होगा। देखना आप इस वर्ष गर्मी तो होगी, मैं एक बात तो कहता हूँ गर्मी होगी, लेकिन जो गर्मी का प्रकोप कुछ ही समय रहेगा, क्योंकि तत्काल जो है बारिश होने लगेगी या कुछ ऐसा कुछ होने लगेगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि जो पिछले साल काफ़ी ज़्यादा मतलब सूखा रहा है और फसल में भी काफ़ी किसानों को देखना पड़ा है प्रॉब्लम्स को, तो इस बार माता रानी के जरूर आते हैं, उनकी पूजा करने पर काफ़ी अच्छे मतलब संयोग बन रहे हैं ऐसे कि बारिश होगी और खाद्यान्न बहुत अच्छा होगा। तो पंडित जी जानना चाहेंगे कि ये जो नौ दिन की नवरात्रि आठ दिन में पड़ रही है इस बार, तो इसको कैसे मनाएं, कुछ इसके विशेष तरीके? इसके विशेष तरीके यह है कि सुबह प्रतिपदा के दिन अपनी कलश स्थापना करें और माता रानी के प्रतिबिंब में चित्र स्थापना करके अपने घट स्थापन करें, और अपना जो भी नियम के अनुसार कोई नवान पाठ करता है रामायण का, कोई माँ सरस्वती का, लेकिन जो भी हो सब लोग करना सबको चाहिए जी। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा के 11 पाठ करें, माता रानी के 108 पाठ करें, और भी जो कुछ छोटी मोटी पूजा हो, और लेकिन जो विशेष मंत्र है वो अपने किसी देख रेख के संरक्षण में करें, अपना स्वतः न करें। जी बिल्कुल, मतलब अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए, नियम के अनुसार होना चाहिए, और हर मंत्र की एक अपनी आभा होती है, गर्मी होती है, उसके ऊपर जो कुछ बिना गुरु के ज्ञान के कोई मंत्र ना करे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ पूछना चाहेंगे कि नवरात्रि में कुछ विशेष दिन भी होते हैं जैसे कि पंचमी अष्टमी और नवमी भी, तो ये कुछ विशेष दिन दो दो साथ में भी आते हैं, जैसे कभी कभी सप्तमी अष्टमी भी साथ आ जाती है, अष्टमी नवमी, तो इस बार ऐसा क्या विशेष? इसमें चतुर्थी पंचमी साथ में आ रही है जी, सोमवार को पड़ रही है जी। इस बार पंचमी कुछ बहुत अच्छी पंचमी है, इस दिन माता रानी की पूजा करें और साथ में लाल पुष्प का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो पंचमी का है उसमें बहुत अच्छा आपको फल प्राप्त होगा, और इसमें माता रानी का श्रृंगार करें, पूजा करें, और साथ में माता रानी से जो भी वर्चा है उसमें, क्योंकि इस बार पंचमी का जो योग है बहुत अच्छा योग है। लेकिन यह जो है अपने आप में नवरात्र जो है बहुत सिद्धदात्री है, और जो भी जैसे किसी को अपना उद्योग धंधा है, किसी को दुकान है, किसी को लड़की की शादी तय करनी है, कुछ होली वगैरह करनी है, और जो भी शुभ काम है इन नौ दिन में आप शुभ कर सकते हैं। ना आपको किसी पंडित से तिथि पूछना, ना समय पूछना है, कि नौ ये अपने आप में सिद्ध दिन है। हमारे परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव भी यही बतलाया करते थे, हमारे शास्त्र भी यही बतलाते हैं कि ये नौ दिन अपने आप में सिद्ध हैं, और सिद्ध में इसलिए इनमें शुभ काम जितने भी आपके शुभ काम हो सकते हैं आप इन नौ दिन में ही कर लें, जिससे आपके जो है इन कार्यों में अगर बहुत अच्छी प्रगति हो और माता रानी के आशीर्वाद आपको आपके परिवार को प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, और कन्या पूजन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है नवदुर्गों में, तो इस बार कन्या पूजन के लिए कुछ विशेष विधि और कुछ विशेष? हाँ, कन्या पूजन का जो है, कन्या का पूजन सबसे पहली बात करते क्यों है, लोगों के दिमाग, बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं हमसे, और आपने इस प्रश्न को रखा है अपने स्टूडियो में, बहुत अच्छी बात है। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटे कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कालरात्रि च महागौरी अष्टम नवमम सिद्धदात्री च। इस प्रकार से नौ देवियां होती हैं हमारे यहाँ,
और प्रथम जो वर्ष की जो लड़की छोटी होती है वो उसको शैलपुत्री का दर्जा दिया जाता है जी। और इसी प्रकार से नौ वर्ष की जो कन्या होती है उसे वास्तविक हमारे धर्मशास्त्र में उसको साक्षात दुर्गा का देवी का अवतार माना जाता है जी। और इनकी पूजा करने से साक्षात माँ प्रसन्न होती है और मन चाहा वर प्राप्त है, क्योंकि वो कहती है कि मैं साक्षात रूप में नहीं हूँ लेकिन यह मेरा रूप है, यह वास्तु साक्षात है, इसका जो पूजन यजन और करेगा उसको मेरी साक्षात कृपा प्राप्त होगी। और साथ में जो माता कन्याओं का पूजन बड़ी विधिवत तरीके से कन्या पूजन करता है वह अपने जीवन में अब माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त करता है जी। तो और साथ में कन्याओं के प्रति क्योंकि कन्या के रूप में माता का रूप माना गया, आज जो हम समाज में देखते हैं कन्या को हे दृष्टि देखना या कुछ करना वो देख लेना, जहाँ पर कन्याओं का जो सम्मान नहीं होगा तो वहाँ पर जो है घर में कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए कन्या पूजन में कन्या के प्रति भाव, कन्या के प्रति सोच एक अच्छी और सुंदर होनी चाहिए जी। बिल्कुल, तो कन्या पूजन की विधि कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, कन्या पूजन की सबसे पहले कन्या को बुलाएं और अपने घर में बैठा लें और उसमें उसके पहले चरण धोएं, चरण धो के और उसके बाद फिर उसके बाद माथे पर टीका लगाओ, पाँव में और टीका पूजा जिस प्रकार से पूजा करो, पूजा को उसे पुष्प डालो, उसकी आरती उतारो, एक वस्त्र उनके उसके ऊपर पहनाओ, फिर जो भी मीठा आहार हो, मीठा जो है मिठाई खीर पूड़ी हलवा ये सब कुछ खिलाओ, और जिससे वो कितनी प्रसन्न हो जाए उसके बाद उसको दक्षिणा भी दो, जो भी उस प्रसन्न हो गया वो जितनी प्रसन्न हो गई आपके ऊपर इतना हाथ उसके पास करने के बाद उसके उस कन्या से अपने ऊपर हाथ रखवाओ कि भाई देवी मेरे ऊपर हाथ रखे जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊँ, मेरा जीवन प्रसन्न हो जाए। अगर उसने वास्तव अपने हस्त से आपको प्रसन्न मुद्रा में रख दिया कन्या ने तो आपका जीवन समझिए कि आपको पूरा वर्ष बड़ा सुंदर और सुखदमय होगा जी। बिल्कुल, तो कन्याओं को खुश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता रानी के दिनों में। और पंडित जी, इस बार नवरात्र पर कुछ विशेष संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे नगरवासियों को। हाँ, इसमें मैं सब नगरवासियों को अपने दर्शकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग मनसा वाचा कर्मण, मन से वाचा से कर्म से जो भी करिए माता के प्रति बहुत अच्छे भाव से करिए, जिससे आपके जीवन में एक सुख और समृद्धि प्राप्त हो। और साथ में इस बात का ध्यान रखिए, दिखाओ की पूजा मत करिए, जो करिए हृदय की पूजा करिए, और हृदय की पूजा करेंगे तो माता आपके हृदय की सुनेगी और आपकी पूर्ण अभिलाषा करेगी, पूर्ण आपको शांति प्राप्त करेगी, आपके जीवन की समस्त जो बाधाओं को दूर करते हुए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी जी। बिल्कुल, और नवरात्र पर कुछ आप इस विशेष कहना चाहेंगे कि नवरात्र पर ऐसा करना चाहिए हमें अपने घरों में या कुछ भी हमें अपने जो हमारी तरफ से कुछ स्पेशल हो, हमें अपने घरों को साफ रखना चाहिए जी। और हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, नौ दिन खासकर झगड़ा नहीं के, क्योंकि जहाँ सुमत है संपत्ति नाना, जहाँ कुमत है विपत्ति निदाना, हमको झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई अगर हमको कुछ गलत भी बोलता है, पड़ोसी बोलता है, इन नौ दिन बड़ी क्रोध का नहीं, बड़ी शांति का रखना चाहिए, परिचय रखना चाहिए, जिससे एक सुख एक अच्छा माहौल बने, जिससे मेरे घर कोई आ सके मतलब माँ भगवती आपके घर आ सके, वो आपको आशीर्वाद दे सके, ऐसा माहौल बनाना और ऐसी पूजा आराधना करना जिससे माँ मैं कोई क्रोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस आपके चरण पकड़े हूँ, आप जो भी करें आप करें, ऐसा मन में जब विचार बनाओगे जैसे तो अपने आप आपका इन नवरात्रि का पर्व बहुत सुखमय और शांतिमय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे दर्शकों को और नगरवासियों को नवरात्र विशेष के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए। और वास्तविकता में बहुत सारे लोग नवरात्रि के बारे में बहुत कम जानते हैं, और इस बार जैसे कि नवरात्र नववर्ष के साथ शुरुआत हो रही है तो बिल्कुल और भी ज़्यादा हर्षोल्लास से आप नववर्ष चैत्र नववर्ष को मनाएं और नवरात्रि की माँ जितने भी नौ माताएं होती हैं उन सब की पूजा करें और कन्या पूजन करें और सुख समृद्धि घर में लाएं। धन्यवाद पंडित जी, नमस्कार।